दोस्तों ये दो मादियाँ हैं और एक नर है नर जो है वो बिल्कुल दरमियान में खड़ा है तो एक मादी की उम्र एक साल है नर की भी एक साल उम्र है दूसरी जो आखिर पे नज़र आ रही है उसकी उम्र तीन साल है तो ये मैंने यूट्यूब की वीडियो बनाने के लिए और थोड़ा थोड़ा शिकार का भी मुझे शौक़ है तो जो लोग मेरे वीडियो रेगुलर देखते हैं वो मुझे जानते हैं कि जो भी मैं तीतर वगैरह पकड़ता हूँ मैं उन्हें वापस जंगल में वीडियो बना के छोड़ देता हूँ बस मेरा वो शिकार का शौक़ ही है ना मैं परिंदों को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुँचाता हूँ और ना मैं पसंद करता हूँ दूसरे लोगों को जो इन्हें पकड़ कर जबा कर देते हैं या बेच देते हैं तो मैं पसंद नहीं करता हूँ ऐसे लोगों को यह तीन साल पुरानी मादी है और ये नर है एक साल का और यह भी मादी है एक साल की इनके थोड़े से पिछले हफ़्ते गले ख़राब हो गए थे और उसकी वजह से इन्हें बुखार वगैरह भी था तो मैंने बस हल्की फुल्की इन्हें वो बच्चों वाला जो सिरप होते हैं एरिनेक और फ्लैजल कैलपोल और कोल्ड ड्रैक्स ये मैं इनको तकरीबन कोई चार कतरे एक टाइम में जो है ना वो पिलाता था और दो टाइम इन्हें मैं दवाई देता था दाने वग़ैरह ये बिल्कुल नहीं खाते थे तो फिर मैं इन्हें रोटी के नरम टुकड़े जो है वो इन्हें में जो है ना वो ख़ुद पानी में भुगो कर छोटे छोटे जो है ना वो खिलाता था पाँच छः दिन हाथ से मैं इन्हें फीड करता था तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये ठीक होकर जो है ना वो बीमारी से बाहर निकल आए हैं तो आपस में ये बहुत फ्रेंडली है लड़ते झगड़ते नहीं हैं तो बस मेरी तमाम शिकारियों से जिन्होंने तितर वगैरह रखे हुए हैं ये ख़ास ख्याल रखना है कि आपने इन्हें अवर डोज नहीं देनी है अगर अवर डोज़ दे, दे दें तो फिर इनका जो है ना वो सिस्टम खाने पीने का बंद हो जाता है और फिर जा, मर जाते हैं तो बहुत से शिकारियों ने अपने तित्रों का नुकसान कर दिया इसी वजह से कि उन्होंने इनको डोज़ दे दिए जिसकी वजह से ये फिर वो बर्दाश्त नहीं कर सके और कुछ खा पी नहीं सके इस वजह से फिर मर गए तो बस आपने जो है वो चार कतरे जो है ना ये आपने जहन में रखना है कि उससे